ऊर्जा मंत्री के जिले में ही ऊर्जा कर्मचारी परेशान हैं। परमानेंट की मांग को लेकर 48 घंटों से कर्मचारी काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल कंट्राती कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति की ओर से पिछले दो दिनों से काटोल चौक के बिजली कार्यालय के सामने काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। राज्य भर से करीब 42,000 बिजली कर्मचारी दो दिन के काम बंद आंदोलन पर बैठ गए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि पिछले 15 से 20 साल से वह सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं, मगर सरकार उन्हें विभाग के भर्तियों में कोई सुविधा नहीं दे रहा है। सभी कर्मचारियों को काम करते हुए 40 साल के ऊपर चले गए हैं, मगर बिजली कंपनियों के भर्तियों में उन्हें उम्र के लिए कोई छूट नहीं दी गई। ऐसे में ठेके पर काम कर रहे इन कर्मचारियों ने उन्हें नौकरी में स्थायी नियुक्ति की मांग की है। पिछले 48 घंटों से जो है बिजली विभाग में ठेका कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हुआ है। पिछले 48 घंटों से सभी कर्मचारी काम बंद आंदोलन पर है। बहुत सी मांगे हैं इन लोगों की जो सुनने आज हम आए हैं। मुझे बताइए कौन कौन सी मांगे आप आज कर रहे हो? साहेब, आम्ही महावितरण महापरिषद आणि महानिर्मितीमध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून काम करत आहोत। आमच्या रास्त मागण्या म्हणून सर्वात पहिली महत्त्वाची मागणी म्हणजे जॉब सिक्युरिटी, शाश्वत रोजगार आम्हाला मिळण्यात हवा, व दुसरी आमची मागणी आहे की आम्हाला पगारामध्ये 30% पगारवाढ मिळायला हवी। समान वेतन समान कायदा असे बी मांग चल रही आहे। निश्चितच नियमित कामगारांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही जेव्हा सक्षम काम करतो तर आम्हाला त्यांच्या बरोबरीचेच नियमित वेतन आम्हाला मिळायला हवे। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आज आंदोलन में शामिल हुए, कहाँ का भी आंदोलन शुरू है? ये जो आंदोलन है अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और नागपुर जिले में, नागपुर जोन के अंतर्गत, नागपुर सर्कल के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण सेक्टर से जो आते हैं, जिले आते हैं, वहाँ से हर जिले से, महावितरण से, पारेषण से और जनरेशन से सभी लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। जनरेशन वाले आप अपने जगह पर भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो नज़दीक पास नागपुर के रहते हैं वो यहाँ पर आके हमारे साथ शामिल होकर आंदोलन कर रहे हैं। जो परमानेंट लोग हैं और ठेका कर्मचारी हैं, उनके वेतन में कितना फर्क है और क्या परेशानी हो रही है? उनके वेतन में बहुत काफी ज्यादा फर्क है। अगर एक रेगुलर कर्मचारी अगर जब रेगुलर होता है तो उसको 37,000 का बेसिक पेमेंट उनका चालू होता है। वही जहां हमारा जो बेसिक है आउटसोर्सिंग लोगों का, वो बेसिक बहुत ही ज्यादा कम है, 10,000 समथिंग का बेसिक है हमारा। तो उतने बेसिक में जो अगर पगारवाड़ होती भी है, 30% पगारवाड़ अगर वो दे भी रहे हैं तो भी उतना इफेक्टिव हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम शासन से डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, और रेगुलर जब तक नहीं होते कम से कम एटलीस्ट जब तक वो पूरी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती तब तक के कम से कम 60 वर्ष तक एक शाश्वत रोजगार की हमें उम्मीद चाहिए उनसे, एक लिखित चाहिए कि 60 वर्ष तक कोई एम्प्लॉय, कोई ठेकेदार, ठेका कर्मचारी जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसका रोजगार जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। तो अभी जो ठेकेदारी में है क्या कभी भी निकाल देते हैं या फिर मन चाह व्यवहार आप लोगों से किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी परमानेंट रेगुलर कर्मचारी अगर किसी सबस्टेशन में अगर उनकी नियुक्ति होती है तो उसकी जगह पे ठेका कर्मियों को कम किया जाता है। और ठेका कर्मचारी की अवस्था ऐसी है कि किस वक्त उसका रोजगार चले जाए ये उनको पता ही नहीं है। कब पता कि आज ड्यूटी पे गए और शाम को फोन आएगा कि भैया आपको निकाला जा रहा है। ऐसी अवस्था फिलहाल में नागपुर में, तो आज लोगों को 15-15, 20-20 साल काम पर हो गए हैं, तो वो कर्मचारी अगर इस वक्त उसको अगर निकाला जाए तो करेगा क्या? आज उसकी एज निकलते जा रही है, नई भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया में भी उनको जो लेना चाहिए कि जो 15-15, 20-20 साल से जो एक्सपीरियंस कर्मचारियों को है उनको बिना भर्ती के कुछ छूट देना चाहिए। वो भी डिमांड हमारी रखी हुई है, लेकिन अब तक प्रशासन को इस पर कोई भी हलचल करते हुए दिख नहीं रही है। ऊर्जा मंत्री का ये शहर है, ऊर्जा मंत्री का ये शहर है, और ऊर्जा मंत्री नागपुर के होने के बाद भी नागपुर के कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है, उनके लिए तो सबसे बड़ी निंदा की बात है। तो अभी जो इतनी बड़ी भर्ती निकली थी महावितरण में, क्या उसमें आप लोगों को कोई आरक्षण दिया गया था या फिर आप लोगों को पहला चांस दिया गया था? जी नहीं, ऐसा कोई उन्होंने दिया नहीं है। उनका ये आश्वासन उन्होंने दिया हुआ कि जो कंट्राटी कर्मचारी है उनके लिए हम जितने उनकी सीनियरिटी उनके हिसाब से मार्क्स दिए जाए, लेकिन मार्क्स देने से अब एक साल पर अगर 2 मार्क अगर वो देते हैं फिर भी उसका जो असर ठेका कर्मियों को भर्ती पर होना है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम उनपे एज लिमिट तो होना ही नहीं चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के अंदर आउटसोर्सिंग को एज लिमिट का बिल्कुल प्रावधान नहीं होना चाहिए। और इन एज लिमिट के प्रावधान की क्या बात है, तो इतना एक्सपीरियंस जब उनको है, टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और एक्सपीरियंस जब उनको इतने साल का देते 15-15 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको सीधे तौर पर भर्ती पर लेना चाहिए उन्होंने। कितने लोग कितने जिलों से यहाँ पर आए हैं और कितने लोग आज आंदोलन में और कितने लोग आएंगे? आज यहाँ पूरे नागपुर जिले के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण सेक्टर है,
और अपना सिटी सेक्टर है, सभी कर्मचारी यहाँ उतर चुके हैं मैदान में, कल से ही आके बैठे हैं वो लोग। और हमारा पूरा 48 घंटे का संप का कायदा चालू है, प्रशासन के खिलाफ, ऊर्जा खाते के विभाग, और अभी तक हमारे से अभी तक एक भी अधिकारी या राजकीय प्रशासन का अपना कोई भी अधिकारी अभी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया, ना कोई बातचीत करने के लिए आया। अगर सरकार नहीं मानती आपके मांगों को तो अगला कदम क्या होगा, क्या चाहोगे? सर, हमने 5 तारीख से हमारा जो प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, तो आने वाले 5 तारीख से हमारा बेमुदत संप रहने वाला है। अगर हमने दो दिनों के जो हमने स्ट्राइक 48 घंटों का जो डिक्लेयर किया था, इसमें अगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता और प्रशासन की तरफ से कोई हलचल अगर हमको नहीं दिखते, तो 5 तारीख का जो हमने अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है स्ट्राइक का, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और शायद उस वक्त कर्मचारी इस आंदोलन को तीव्र गति से आगे लेके जाएंगे, उसमें शायद इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड हो सकती है, लोगों को उसमें तकलीफ हो सकती है। अभी 12th की एग्जाम है, बाकी एग्जाम एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, इस दौर में अगर लोगों को लाइट अगर जाती है और सिस्टम को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसकी जवाबदारी, सर्वोपरि जवाबदारी जो है ये शासन की रहने वाली है। क्योंकि हम तो हमारी तरफ से विनती कर रहे हैं और नियमित रूप से जो हमारा प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर प्रशासन इसमें अगर दखल नहीं देता है, तो इसकी जो भी आने वाले दिनों में 5 तारीख से जो हमारा स्ट्राइक चलने वाला है, उसमें जो भी दिक्कतें निर्माण, हम नहीं चाहते कि वो दिक्कतें निर्माण होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन अगर नहीं मानता है, तो शायद आने वाले दिक्कतों में दिक्कत होगी, और इसकी पूरी पूरी जवाबदारी जो है वो ऊर्जा मंत्री साहब की और प्रशासन की। परीक्षाओं का दौर है, समय जो है, ये इनका ठेका कर्मचारी का आंदोलन शुरू है, अगर कोई असुविधा होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसमें सरकार ने इस विषय पर कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में छात्रों को और उनके जो पालक हैं उनको परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं प्रकाश शुंकल, और NBCN न्यूज़ नागपुर।